अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अकबर अली गिल, 28 न्यूज़ के पैटर्न से बात कर रहा हूं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक टीवी की स्टार एंड फिल्म स्टार, जिन्होंने है तो पंजाब की बट काम शुरू किया कराची प्लेटफॉर्म से जाके। आज हम मुलाकात करते हैं आपकी सरैया मुगल से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? कैसी हैं मिस साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल खैरियत। तो अब मैं जानना चाह रहा हूँ, नाज़रीन ये जानना चाह रहे हैं कि आपने कहाँ से काम शुरू किया और क्या पीछे मेथड था आपका काम शुरू करने का? मेथड था कुछ घरेलू मजबूरी थी जिस वजह से मैं घर से निकली हूँ अपने घर को चलाने के लिए। बाकी स्टार्ट मैंने लिया है कराची टीवी से और सिंधी ड्रामे से मेरा स्टार्ट हुआ है। उसके बाद मैंने इसी ड्रामे को उर्दू में हमने किया घुटन के नाम से और फिर चल सो चल 2001 से मैं आई हूँ और माशाल्लाह आज तक काम ही करते जा रही हूँ। अच्छा सरैया मुगल, मुझे आप ये बताइएगा कि कोई ऐसी यादें या कोई ऐसा ड्रामा जो आपको बहुत याद आता और नाज़रीन आपको उसी नाम से पुकार रहे हो कि यार ये वो है? हाँ जी, मेरा है ड्रामा तलाफी, पी टी वी होम से किया था मैंने। उसमें मेरा करेक्टर था सकीना का। अच्छा। जो एक बच्चे को पालती है। अच्छा। तो वो ड्रामा मुझे बहुत याद आता है, उसमें रुलाया भी बहुत है लोगों को मैंने और सबक भी दिया लोगों को कि ये इस तरीके से पाल के वो बच्चा किस तरीके से उस पालने वाली को घर से धक्के देके निकालता है, वो मुझे आज तक याद है। भैया मुगल, आप मुझे ये बताइएगा कि फिल्म में आपने एंट्री कब की, आपको कैसे कॉन्फिडेंस हुआ कि आप मैं बड़े प्लेटफॉर्म पर काम कर सकती हूँ, बड़ी स्क्रीन पर काम कर सकती हूँ? ये अचानक ही हुआ। एक दिन मैं यासर नवाज़ के ऑफिस में गई हूँ मिलने उनसे, तो उनकी फ़िल्म मेहरुन्निसा स्टार पे थी तो उनको चाहिए था एक खाला का करेक्टर। उन्होंने मुझे कहा आप करोगी? मैंने कहा बिल्कुल करूँगी, मुझे शौक है फिल्म में काम करने का। तो उसमें मैंने एक लड़ाका खाला का करेक्टर किया था, तो बस वो बहुत अच्छा कि आज तक लोग समझो बसों में भी चल रही है वो मूवी, घरों में भी लोग देख रहे हैं, मेहरुन्निसा के नाम से बहुत हिट हुई है वो मूवी। ओके, अब मुझे ये बताइएगा सरैया मुगल साहबा कि दोनों में क्या फ़र्क नज़र आया, टीवी एंड फिल्म में, काम के हवाले से या कह लें कि परफॉर्मेंस के हवाले से क्या फ़र्क नज़र आया आपको? परफॉर्मेंस के हवाले से पी टी वी बहुत अच्छा है। ओके। बहुत अच्छा है, तो बड़ा माजरन मिलता है काम करने का और दिल लगा के बंदा काम करता है और वाकई तजर्बा जो हासिल करना हमने तो पी टी वी पे काम करके तजर्बा हासिल करें और माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा सरैया मुगल, का आपसे मैं ज़िमनी सवाल कर रहा हूँ, माइंड ना कीजिए प्लीज़, आपको पहला जो आपने प्ले किया या दूसरा तीसरा, जब आपको पहली दफ़ा उजरत मिली, मुआवजा मिला, तो आपकी क्या फीलिंग थी और कितनी उजरत मिली आपको? उजरत ना ही पूछे तो बेहतर है। सिंधी ड्रामा जो मैंने किया था उसमें मुझे 250 रुपये का चेक मिला था, तो मैंने अपने सर के पास लेके गए चेक में, तो वो कहते हैं कि सिंधी ड्रामे का इतना सही होता है, लेकिन ये मेरा ख्याल 2001 की बात है, उस वक्त वाकई इतने से कम पैसे मिलते थे कि घर का गुजारा करना बड़ा मुश्किल होता था। सही। और जब से ये प्राइवेट चैनल आए ना तो माशाल्लाह काम भी अच्छा हो रहा है और पेमेंट। तो अभी मुझे ये बताइए कि फिल्म में काम करने के बाद आपको लगता है कि आपको मज़ीद फिल्मों में काम करना चाहिए? मैंने एक और फिल्म की थी उसके बाद, नहीं उससे पहले की थी भाई लोग मीरा के साथ, हमारे कराची में बनी थी वो, तो बस मुझे वो ज़्यादा नहीं अच्छा लगा फिल्म में ना, मुझे टीवी ही पसंद है फिल्म में नहीं। तो अभी आप करंट कौन सा काम कर रही हैं, टीवी में कर रही हैं, फिल्म में कर रही हैं? अगर टीवी में कर रही हैं तो कौन से ड्रामे और किसके चैनल पे कर रही हैं? अभी तो फिलहाल ये कोरोना ने हमारा समझो बैठाया हुआ घर पे, अभी कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन लास्ट में यही समा का करके आई थी इमरजेंसी वार्ड, लेकिन पी टी वी मैं नहीं छोड़ सकती क्योंकि पी टी वी मेरा घर है। हमने आज तक जिसका भी इंटरव्यू किया मोस्टली लोगों ने यही कहा कि पी टी वी मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरा घर है, तो सेम आप भी यही बात कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान टेलीविज़न हमारे एक्ट्रेस के लिए एक उसकी फैमिली का मनिंदा है, उसका घर है। हाँ, उसका बाप है, उसको पालने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। आपने बिल्कुल ठीक बात की जी। आज की मेहमान सरैया मुगल ने बहुत सारे टी वी चैनल पर जो क्राइम स्टोरी चलती हैं, जो ड्रामास के लिहाज से चलती हैं, उसमें बहुत सारा काम, 28 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम बहुत सारे वो मसाइल उजागर करना चाह रहे हैं जो लोग आजकल मसले में हैं। अब एक्टर हमारा जो छोटा एक्टर है वो पिस गया इस कोरोना एंड इस महंगाई में, उसका हम
आपसे आपके सामने लेके आते हैं उनकी स्टोरीज, उनके मामलात, ताकि किसी ना किसी तरीके से उनका मदावा हो, उनके मसलों का हल हो। 28 न्यूज़ इस प्लेटफार्म 18 लोगों के मसाइल आप देखिएगा ज़रूर। इंशाल्लाह हम मिलते हैं न किसी अच्छे एक्टर के साथ, किसी और एक्टर के साथ, किसी मॉडल के साथ, आपके साथ फिर मिलते हैं, मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।